हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। रेडीमेड कुर्ती में हम परफेक्ट फिटिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना फिटिंग की सिलाई लगाए। यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे फ्रेंड्स, दो प्लेट मैं फ्रंट में डालूंगी और दो प्लेट मैं बैक में डालूंगी। ये उनके लिए है फ्रेंड्स वीडियो, जिनको यहाँ से तो हमारा सूट बिल्कुल सही आता है, रेडीमेड सूट, और यहाँ से भी सूट सही आता है। बस हमारे यहाँ पे जो कमर वाला पार्ट होता है, इसमें हमारा सूट लूज आता है। तो यहाँ पे हम प्लेट्स डाल के उसको बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग वाला बनाएंगे। आप देख रहे हैं, देखिए इसमें कोई भी कव नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने अपनी कुर्ती को उल्टा कर लिया है और फ्रंट वाला सामने वाला पार्ट मैंने ऊपर की तरफ रखा है। सबसे पहले इसकी जो कमर वाली फिटिंग है उसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। देखिए 20 है तो मैं यहाँ पे 10 पे एक निशान लगा लूंगी और फिर यहाँ कंधे से, देखिए मैं कंधे से निशान लूंगी। यहाँ पे 13 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी। फ्रेंड्स आप 13.5 इंच पे भी कर सकते हैं अगर आप थोड़े हेल्दी हैं, तो मैं 13 इंच पे निशान लगाऊंगी। और यहां से फ्रेंड देखिए, यहां से 4 इंच पे मैं इधर एक निशान लगाऊंगी और यहां से 13 इंच से मैं 8 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, जो हमारे प्लेट्स की लंबाई रहेगी। ये बिल्कुल परफेक्ट लंबाई होती है 8 इंच फ्रेंड। और यहां से भी देखिए, इसके बिल्कुल सीध में मैं 4 इंच पे निशान लगा लूंगी और यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने। अब मैं इधर से भी ऐसे 13 इंच पे एक निशान लगाऊंगी फ्रेंड और यहां से इसका 4 इंच ले लेंगे। जो हमारा ये बीच वाला गैप होता है ना फ्रेंड, ये 8 इंच होना चाहिए। ये देखिए, ये पूरा 8 इंच जा रहा है और यहां से इसकी लंबाई मैं 8 इंच ले लूंगी। इस पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये इतना मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बता रखा फ्रेंड्स। आज इसमें एक नया जो मैं ऐड कर रही हूं, इसका हम सेंटर पॉइंट लेंगे। देखिए 8 इंच का 4 इंच सेंटर पॉइंट आता है, जो हमारी प्लेट है। और यहां से हाफ इंच, देखिए हाफ इंच में इधर निशान लगाऊंगी और हाफ इंच में इधर निशान लगाऊंगी। ये मैंने किस लिए लगाया है, ये हमें अपने प्लेट की चौड़ाई, सिलाई लगाते हुए जो हम चौड़ाई लेते हैं ना, देखिए यहां से इसको ऐसे मिलाएंगे इसके साथ और यहां से इसको ऐसे मिलाएंगे। ये हमारा सिलाई वाला पॉइंट होएगा फ्रेंड्स। इधर से भी इसको ऐसे मिलाएंगे और यहां से भी इसको ऐसे मिलाएंगे। सेम ये ही प्रोसीजर मैं यहाँ पे करूंगी। ये फ्रेंड्स देखिए, हमारी सिलाई का निशान हो गया। दोनों तरफ ऐसे लगाया है। जब हम इसको ऐसे सिलाई लगाएंगे ना, तो हम इधर से भी सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपको मशीन पे इधर से रखना है तो आप इधर से भी निशान लगा सिलाई लगा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लगाया। और ऐसे ही दो सेम निशान मैं इसकी बैक वाली साइड लगाऊंगी और बैक साइड पे सेम मैंने वही निशान लगा लिए हैं। अब चलते हैं अपनी मशीन की तरफ। देखिए सिलाई के लिए एक हाथ मैंने नीचे से डाला है। देखिए नीचे से डाल के इसको ऐसे पकड़ते हुए यहां से और यहां तक फोल्ड करते हुए यहां से पकड़ लेंगे। देखिए अच्छे से साफ करते हुए ये स्टार्टिंग पॉइंट, देखिए इस पे मशीन को रखेंगे और जैसे ये हमारी शेप बनी हुई है, सेम ऐसे सिलाई लगाएंगे। यहां से इसको वापस मोड़ेंगे और फिर से इस सिलाई को डबल कर देंगे। और इस पॉइंट पे भी मैंने घुमा लिया है और थोड़ा सा आगे चलाते हुए, देखिए बंद वाले साइड में मैंने चलाया है और इसको निकाल लेंगे। ऐसे हमारी प्लेट्स खुलती नहीं है सामने से। जब मैं इसको सीधा करके आपको दिखाऊंगी तब पता चलेगा। प्लेट कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही दूसरी प्लेट को नीचे से हाथ डालते हुए देखिए कुर्ते में इसको भी ऐसे फोल्ड कर लें और इसको ऐसे देखिए मशीन की तरफ लेके आएंगे और यहाँ से इसको स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे फिर और इस पे ऐसे सिलाई लगा देंगे सेम बिल्कुल जो हमने निशानी लगा रखी है। लगाते हुए यहाँ से उतार लेंगे, यहाँ से वापस टर्न करेंगे मशीन को, कपड़े को ऐसे सेट करेंगे। देखिए देखिए बिल्कुल परफेक्ट जाती है हमारी ये सिलाई जब हम बिल्कुल निशानी पे लगाते हैं। इसको डबल कर देंगे और देखिए इस एंड पॉइंट से फिर से हमें इसको वापस करना है मशीन। और ये जो बंद वाला पार्ट है ना हमारा, इसकी तरफ हमें अपनी मशीन को लेके आना है। मैं पूरा डिटेल में आपको बता रही हूँ ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। इसको निकाल देंगे। फ्रंट के दोनों प्लेट्स हमारे डल के तैयार हो गए हैं। अब हम डालेंगे बैक प्लेट और देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा हमारा कर्व बन के तैयार हो गया है।
फिटिंग का और जो मैं आपको सिलाई बता रही थी डबल करना, देखिए फ्रेंड्स आप नजदीक से देखिए, बिल्कुल यहां से आप इसको जितना मर्जी खींच लीजिए, देखिए सिलाई बिल्कुल नहीं निकलेगी। ऐसे ही एंड पॉइंट में देखिए कितनी फिनिशिंग आई है फ्रेंड्स, ध्यान से, और कितने परफेक्ट हमारे बल बनके कमर के प्लेट्स बनके तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।